ये तमाम तरह की बाइक जो आप देख रहे हैं वो सब के सब रैली में आने के लिए लगी हुई है। सभी युवा यहाँ पर तैयार हैं, सब लोग एक साथ झुंड बना करके एक रैली का आयोजन है इसमें करने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि हर जगह स्वागत समारोह की तैयारियाँ हो रही हैं। तो रामकृपाल यादव भी आए हुए हैं, आपको मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। यहाँ पे हर जगह सांसद प्रतिनिधि लोग पहुँचे हुए हैं, पूरी तरह से तैयारी जबरदस्त चल रही है आप देखें, और पूरी तरह से हर जगह स्वागत समारोह सम्मान की तैयारी हो रही है। ये देखिए पूरी तरह से तैयारी है। माननीय जगत नड्डा जी के स्वागत के लिए तैयारी पूरी है। सर ये भाजपा का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है जदयू के खिलाफ? नहीं नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, उत्साह है लोगों में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्र के विभिन्न मोर्चा के नेता आए हैं, और हमारे पूरा देश का जो बड़े नेता हैं वो सब लोग हैं। और ये पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतनी बड़ी इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार को मिला है, पटना को मिला है। लोगों में उमंग है, उत्साह है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए, अपने गृह मंत्री जी का स्वागत करने के लिए, नेताओं का स्वागत के लिए, और उत्साह का प्रणाम है। रैली शो का भी आयोजन किया गया है, रैली भी इसमें निकाली जाएगी, रोड शो भी होगा सर? यात्रा होने वाला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो लोग रोड पर हैं, सड़क पर हैं, जगह जगह लोग उत्साह से उमंग से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा के स्वागत के लिए इकट्ठे हैं। इससे जदयू को सहमने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये पहली बार है कि पटना में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, और पटना को ये मौका मिला है इसलिए तमाम युवा उत्साह में हैं और यहाँ पे इस तरह से आयोजन कर पा रहे हैं और इस आयोजन में भाग ले।